मैंने कहा ना चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। बताओ तो सही। अरे चुप हो जाओ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि डुप्लीकेट जामिया है। You are a sweetheart. कमाल कर दिया तुमने, you know that? आप बस उस राज का पता लगाइए। आप चैतन्य और हम अनुपमा को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। देखिए कितनी धूल जमी हुई है यहां पर। आज आपने डस्टिंग ही नहीं की है। चलिए सफाई कीजिए। अभी करवाता हूं। है कि वो चैतन्य की असलियत जानना चाहता है। वो कल मेरे पास यहाँ आया था। इंद्रजीत यहाँ आया था? इंद्रजीत यहाँ आया था? आपने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं शायद नहीं। चैतन्य का राज ही रहेगा। ऐसा कौन सा राज जुड़ा है चैतन्य के साथ जिसे माँ जुबान पर लाना नहीं चाहती? क्या है वो राज जिसे माँ ने इतना छुपा कर रखा है? कहां रखा है? कहीं ना कहीं तो वो होगा ही। मुझे उस राज को हर कीमत पर ढूंढना ही होगा, हर कीमत पर। बद्री काका, मैं रात को खाना बाहर खाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। माया पुत्र बुला, बुलाओ से। नम्रता, बेटा नम्रता, यहाँ तो आओ। आओ बेटा, आओ हमारे पास बैठो। अपने कमरे में अकेले अकेले बोर हो जाती होगी ना, आओ। आ जाओ बैठो। बैठो बेटा बैठो, कुछ अपने सुनाओ, कुछ हमारी भी सुनो। है ठीक कह रही हूँ ना मैं? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ।
बेटा जरा जाके देखो ना कौन है। जी अभी खोलती हूँ। माया पुत्र है ना राम झूठ ना बुलाए ना, वैसे तो तू मेरी तरह इंटेलिजेंट है पर ना मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आई, ऐसे राम झूठ ना बुलाए ना, तूने उस नम्रता को घर से भेज क्यों दिया है ना, उस मनुष अनुपमा के जाने के बाद एक तो मिली थी घर का काम काज करने वाली नौकरानी जैसी, उसे भी घर से दफा कर दिया तूने। हाँ अरे माँ तुम्हें क्या पता, वो नम्रता काम करते करते कुछ और ही गुल खिला जाती है। उस दिन देखा नहीं तुमने कैसे वीर के कंधे पर सर रख के टसवे बहारी थी। प्लीज वीर मुझे बचा लो, प्लीज वीर। हाँ माया पुत्र बात तो तू ठीक कह रही है वैसे। अरे माँ तुम नहीं जानती ये गरीब लड़कियां ऐसी आंसू बहा बहा कर अमीर लड़कों को फंसा लेते हैं, और तुम जानती हो हमारा वीर बेचारा कितना सीधा कितना भावुक है ना। ये बात तो तेरी 100% ठीक है, और तभी तो उसे इस मनुष्य अनुपमा से इतनी हमदर्दी है राम झूठ ना बुलाए। वही ना माँ, देखो इसे देखो। माँ अगर रास्ते के कांटे को ठीक वक्त पे दूर ना किया जाए तो पैर में चुभने का डर बना रहता है ना। वो सब तो ठीक है माया पुत्र, पर अगर इस मुंडे वीर ने कुछ कहा फिर। अरे क्या कहेगा माँ, थोड़ा नाराज होगा थोड़ा डांटेगा बस, दो दिन बाद खुद अपने आप सब भूल जाएगा। और वैसे भी तुम तो जानती हो माँ, माया आगे की प्लानिंग किए बिना माया कुछ नहीं करती, आगे का सब कुछ सोच के रखा है मैंने। ओए सदके जाऊं मैं अपनी माया की माया पर, ओए कहीं कहीं असर ना लग जाए मेरी माया के इंटेलिजेंट दिमाग को। क्या हुआ? तुम्हारी चाबियां किसी भी काम की नहीं है। क्यों? तिजोरी नहीं खुली इन चाबियों से? तिजोरी खुली जरूर, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि चैतन्य की राज के बारे में कुछ भी पता चले। पद्मिनी तुम जानती हो मैं कितना परेशान हूं, इस चैतन्य के बारे में सोच सोच कर मेरा खून जलता रहता है, दिन रात मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, कौन है ये चैतन्य, क्यों वो माँ के इतने करीब है, क्यों माँ का वो लाडला बना हुआ है, कैसे पहुंचूं मैं उस राज तक, कैसे। देखिए जो राज माँ से अपनी जबान पर नहीं ला रही उसे जरूर कहीं सुरक्षित जगह रखा होगा उन्होंने, और उनके कमरे से ज्यादा महफूज जगह और कौन सी हो सकती है। इंद्रजीत हमारा दिल कहता है कि आपको वो राज मासा के कमरे से ही मिलेगा। हाँ मिसेस देवदत्त, बस मैं पहुंच ही रही हूँ आपके पास।
जी हाँ जी हाँ, थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। इंद्रजीत, जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो वहां नहीं है। वहां तो क्या, वो इस घर में या इस दुनिया में भी नहीं है। जानता है क्यों? क्योंकि वो राज यहां है, मेरे दिल में। अगर वो राज जानना चाहता है तो चीर ले अपनी मां का दिल, लेकिन शायद फिर भी तुझे वो राज ना मिले, क्योंकि वो राज मैंने अपने दिल में कई परतों के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है।
चैतन्य, इतनी रात को चैतन्य कहाँ जा सकता है? कमरे में नहीं है। क्या जोड़ी है तुम्हारी? दिन के उजाले में तुम गायब रहती हो और रात के अंधेरे में तुम्हारा पति। देखिए, इन्हें ना कोई शारीरिक रोग है ना कोई बीमारी है। यू कैन से ये किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? काका, ये सामान मैं नम्रता के लिए लेके आया हूँ। अब तक तो वो सो गई होगी, आप उसे सुबह दे देना। पर बेटा, नम्रता तो क्या हुआ बद्री काका? नहीं हुआ कुछ नहीं,
और वो घर पे नहीं है।